खरगोन जिला अस्पताल में चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों के अधिकारियों को सार्थक ऐप में हाजिर दर्ज कराने का आदेश पारित किया गया है। इस आदेश पर विरोध दर्ज कराया गया है। अस्पताल परिसर में इकट्ठा हुए कर्मचारियों ने नारेबाजी कर सिविल सर्जन को संचालक लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल मध्य प्रदेश के नाम ज्ञापन दिया है। स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि VIP इमरजेंसी शिविर जैसी जगह पर ड्यूटी करनी होती है, ऐसे में ऐप के माध्यम से अटेंडेंस लगाना बहुत मुश्किल भरा होगा। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि स्वास्थ्य कर्मियों को ऐप की छूट दी जाए, यदि ऐसा नहीं होता है तो उग्र प्रदर्शन करेंगे। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। हाँ, सारे अस्पताल के अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर आज ज्ञापन दिया है। उनका कहना है कि सारे जो है वो चिकित्सक और स्टाफ जो है वो राउंड द क्लॉक ड्यूटी करते हैं, सवेरे दोपहर शाम रात्रि से ड्यूटी करते हैं। बाहर कैंप्स में भी ड्यूटी करने जाना होता है, VIP ड्यूटी में भी लगाया जाता है, और हमारे टाइमिंग जो है वो दूसरे कर्मचारियों की तुलना में अलग होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है वो कई बार ये होता है कि मतलब उनके एंट्री और एग्जिट के जो है वो उपस्थिति जो है लग नहीं पाती, इसमें परेशानी आती है। तो सभी का मिलकर ये कहना है कि साहब हमारे को इससे सार्थक ऐप की उपस्थिति से मुक्ति दी जाए। स्वास्थ्य आयुक्त को जो है वो ज्ञापन दिया है। समस्त अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा जो शासन ने सार्थक ऐप चालू किया है उसका अधिकारी कर्मचारी पूर्ण तरह से विरोध करते हैं और शासन से ये मांग करते हैं कि सार्थक ऐप को बंद किया जाए या वापस लिया जाए, क्योंकि डॉक्टर और सिस्टर मतलब हॉस्पिटल की वो नहीं हुए कि 24 घंटे इनको सेवाएं देना पड़ती है और शिविर में बाहर भी जाना पड़ता है, अनचाहे कभी भी कोई एक्सीडेंट आ जाता है, कोई दुर्घटना आ जाती है, कोई विपदा आ जाती है, तो इन लोगों को तुरंत अपनी सेवाएं देने के लिए हॉस्पिटल तुरंत पहुंचना पड़ता है या जहां भी कहीं बाहर भी दुर्घटना होती है तो इन लोगों को इमरजेंसी सेवा के चलते ये संभव नहीं हो पा रहा है। और हम लोग नाइट ड्यूटी करते हैं, डे ड्यूटी करते हैं, नाइट ड्यूटी में साथ तक एक एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है और हम एक्सेप्ट करें चाहे नहीं करें हम अधिकारी कर्मचारी सार्थक ऐप का विरोध करते और ये शासन को ये मांग मानना ही पड़ेगी। और अगर ये चीज हम नहीं मानते हैं तो डॉक्टर अधिकारी कर्मचारी सारे इस ऐप का विरोध करते हैं और अगर माने मांग अगर ये नहीं वापस लेते हैं सार्थक ऐप तो हम आगे आंदोलन करने के लिए बाध्य रहेंगे, जिसके लिए शासन खुद जिम्मेदार होगा। मेरा नाम स्वाति वाड़ेकर है। एक ऐसा विषय है, सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाने का जो आदेश आया है और विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के लिए, अब स्वास्थ्य विभाग हेल्थ एक ऐसे इमरजेंसी सेवा है, आकस्मिक सेवा है जिसमें हमको कई बार 24 घंटे कार्य करना पड़ता है। तो सार्थक ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाने से हम लोग हतोत्साहित हो रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में इमरजेंसी में कई बार जिला मुख्यालय से बाहर भी जाकर ड्यूटी करना पड़ती है, जैसे स्वास्थ्य शिविर होते हैं तो जिला मुख्यालय से बाहर होते हैं, VIP ड्यूटीज होती है। उसके अलावा अस्पताल में जब दुर्घटना का कोई केस आते हैं, कहीं पर एक्सीडेंट हो जाते हैं तो भारी संख्या में एक साथ से आता है, तो उस समय जो ड्यूटी पर है या नहीं है, जो ड्यूटी पर नहीं होते चाहे वो नाइट ड्यूटी करके सुबह गया हो या सुबह ड्यूटी कर गया, तो रात में 2 बजे भी आकर वो स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ अपनी सेवाएं देता है। तो इन परिस्थितियों में सार्थक वेब के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करवाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण और संभव नहीं है। हम स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी सार्थक ऐप का आज सभी एक आवाज में एक मत में विरोध करते हैं और शासन से मांग करते हैं कि इस सार्थक ऐप के द्वारा उपस्थिति देने वाले जो आदेश है इसे वापस लिया जाए। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती तो? अगर हमारी मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं होता है तो ये हमको अगले कदम उठाना पड़ेंगे, इसका विरोध और तीव्र होगा और ये आने वाले समय में हो सकता हड़ताल के रूप में परिणित हो। डॉक्टर चंद्रजीत सांवले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।